देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने बीते बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के जज की आपत्तिजनक टिप्पणी पर हो रही सुनवाई को खत्म कर दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड सहित 5 जजों की बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की और मामले को खत्म कर दिया। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट के जज वी श्रीशानंद ने 28 अगस्त को कोर्ट में चर्चा के बाद विवादित टिप्पणी दी थी। उन्होंने बेंगलुरु के एक इलाके को पाकिस्तान बताया था। वहीं दूसरी टिप्पणी एक महिला वकील के लिए की गई थी। दोनों ही टिप्पणियों की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई थी, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर को जस्टिस श्रीशानंद की विवादास्पद टिप्पणियों वाले वीडियो क्लिप पर स्वतः संज्ञान लिया था। हालांकि शुरुआत में बेंच जज के ट्रांसफर के बारे में सुनवाई की जा रही थी, लेकिन बाद में सीजे ने अपनी सुनवाई में उनका ट्रांसफर ना करते हुए इस केस को बंद कर दिया है। वहीं अगर आपको सीजे द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में बताएं तो भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान की तरह नहीं बता सकते। साथ ही अदालतों को सतर्क रहना चाहिए कि न्यायिक प्रक्रियाओं के दौरान ऐसी टिप्पणियां ना की जाएं जिन्हें स्त्री द्वेषी या समाज के किसी भी वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त माना जाए। साथ ही सीजे ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति वी श्रीशानंद ने अपनी टिप्पणियों के लिए खुली अदालत में 21 सितंबर को माफी मांग ली, इसलिए कार्रवाई बंद की जाती है। पीठ ने अपने आदेश में इस बात पर जोर दिया कि न्याय निर्णय का मूल और आत्मनिष्पक्षता और न्यायपूर्णता है। जजों को केवल उन्हीं मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए जो संविधान के निहित हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।